हीरो मोटर कोप के चेयरमैन पवन मुंजाल दी एक बार फिर तो मुश्किल वादियां देखिया जा रही ने। तो दस दिए कि ईडी वालों हीरो मोटर कोप के CMD ते चेयरमैन पवन मुंजाल दी तीन अचल जायदादा अस्थाई तौर पर कुर्क कर दी गई ने। तो ईडी ने दिल्ली स्थित पवन मुंजाल दी करीब 25 करोड़ रुपए की जायदाद को जब्त कर लिया। तो यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकू एक्ट 2002 तहत की गई है। जनाली ईडी की इस कार्रवाई तो बाद हीरो मोटर कोप के शेयर लगातार गिरावट दर्ज की गई है। तो दस दिए कि ईडी वालों शुक्रवार को यह भी कहा गया सी कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के हिस्से वजो हीरो मोटर कोप के कार्यकारी चेयरमैन पवन मुंजाल विरुद्ध 25 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त की है। तो केंद्रीय जांच एजेंसी ने भी एक बयान च कहा कि दिल्ली स्थित मुंजाल दियां तीन अचल जायदादा स्थाई तौर पर कुर्क किया गया। तो ईडी ने अगस्त में मुंजाल और उस दियां कंपनियां खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 तहत केस दर्ज करने तो बाद छापेमारी की सी। तो DRI द्वारा चार्जशीट का नोटिस लैण तो बाद एक केस दायर किया गया सीगा, जिस विच उसते भारत तो गैर कानूनी तौर पर विदेशी करंसी लियाण का दोष लगाया गया सी। तां ईडी ने यह भी कहा सी कि शिकायतकर्ता के मुताबिक यह शिकायत लगाई गई सी कि 54 करोड़ रुपए की विदेशी करंसी को गैर कानूनी तरीके नाल भारत तो बाहर ले जाया गया सीगा। इस दौरान ईडी की कार्रवाई तो बाद हीरो मोटर कोप के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल कंपनी के शेयर लाल निशान से कारोबार करते नज़र आ रहे हैं। तो इस 70 तो ज़्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तो एक बार फिर दस दिए कि हीरो मोटर कोप के चेयरमैन की दिल्ली स्थित 25 करोड़ रुपए के करीब की जायदाद को हुण ईडी वालों जब्त कर लिया गया। तो लगातार ही हुण हीरो मोटर कोप के चेयरमैन पवन मुंजाल दियां मुश्किलां वादियां देखियां जा रही ने। तो ईडी वालों लगातार एक तो बाद एक वड्डा एक्शन लिता जा रहा। तो आने वाले समय के देखना यह होगा कि ईडी वालों इस मामले के होर की कदम चुके जाते हैं। हीरो मोटर कोप के चेयरमैन पवन मुंजाल दियां एक बार फिर